स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। सम्राट अशोक से ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ, इतिहास से ये बताता है। वजह क्या हुई इतिहास में है कि सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध से हृदय परिवर्तित हुआ और बुद्ध धर्म को अपनाया। हकीकत ये नहीं थी, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। मैं किसी जाति बिरादरी पर हमला करने नहीं आया हूँ, वो बात ही नहीं है, जो इतिहास है। चंद्रगुप्त बड़े प्रतापी राजा थे, उन्हीं के शासन में भारत सोने की चिड़िया थी। चंद्रगुप्त मौर्य मूरा के पुत्र थे, मूरा एक दासी थी। प्राचीन काल में राजा लोग कई शादियां करते थे, जिस राजा की जितनी ज़्यादा रानियां हैं उसकी शान उतनी ज़्यादा थी। तो वो रानियों के अलावा पटरानियां रखते थे। जो पटरानियां हैं वो क्या होती थी, पटरानी का मतलब होता था, कुछ लोग कहते विशेष रानी, नहीं, यानी एक तो विधिवत रानियां आपने ब्याह करके महल में लाते थे, कुछ पटरानियां होती थी। पटरानियां यानी एक तरह से जैसे रखेल होती है, ऐसे होता था, संबंध हो लेकिन विधिवत नहीं। तो चंद्रगुप्त जी उससे उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्होंने, राजा ने मूरा को स्वीकार नहीं किया। तो आइए, हम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, परमात्मा अपने अंदर है, ये तय है, लेकिन दिख नहीं रहा है। उसके रूप और उसकी लोकेशन का पता चल गया। अब ये देखें कैसे मिले, रास्ता क्या है। कोई कह रहा है कर्म, कोई कह रहा है दान, कोई कह रहा है पुण्य। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये भी लोगों ने अपने गोरख धंधे बना कर रखे हैं जिससे इंसान उसमें उलझा हुआ है। एक बूढ़ी बीमार हो जाए, आप ओझा तांत्रिक के पास ले जाना, वो कहेगा इसके अंदर प्रेत आत्मा आ गई है। अब कोई थर्मामीटर भी नहीं लगेगा, देखें प्रेत आत्मा। किसी का काम बिगड़ जाए, एक ज्योतिषी फौरन कह देता है छनी की नज़र टेढ़ी है। अरे भैया, हम पर छनी महाराज की नज़र टेढ़ी क्यों हुई, हमने क्या बिगाड़ा था छनी का, उसने अपना माल लूटने के लिए तुम्हें भ्रमित करना है। कहीं लड़का बीमार हो गया तो कह देंगे भैया नजरिया गया, पड़ोस इन डायंड थी, उसने नजर लगा। 66 साल की उम्र में एक भी डायंड नजर नहीं आई मुझे, कहाँ रहती हैं डायंडें। इस तरह वो भ्रमित कर देते हैं समाज को, समाज अत्यंत भ्रमित है, सत्य को नहीं पहचान पा रहा है। तो ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता है अपने अंदर है, थोड़ा अपने अंदर झांकते हैं। जब हम अपने अंदर का आत्मा अंति ईश्वर ये कह दिया कि तुझ में है, तेरा साईं तुझ में है, जो पहपन में बांस, यही बात कह रहे हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, आखिर दिख क्यों नहीं रहा है। हमारी थ्योरी परमात्मा को देखने की कहीं गलत है, थोड़ा देखें अंदर में जो जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। कहते ईश्वर तुम्हारे अंदर है, आखिर अंदर 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 सुनते आ रहे हैं कि अपने अंदर है, कहाँ पेट में है, नाक में है, कान में है, आँख में है, सर में है, कहाँ पर है अंदर किस, भाई सर में भी नहीं मिल रहा है। आजकल डॉक्टर लोग तो भाई ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करते, खोपड़ी का ढक्कन उतार कर तब कर रहे हैं, अंदर नहीं मिला, खोपड़ी में भी नहीं मिला, पेट में भी नहीं है, तमाम पेट का ऑपरेशन करके देखा, हार्ट में भी नहीं है। एम्स में तो हार्ट बाहर निकालकर टेबल पर रखकर तब उसको वाल फिट करते हैं, जैसे स्टेपनी निकालकर, हार्ट में भी नहीं नजर आया। आँख आजकल ट्रांसप्लांट रोपित की जा रही, आँख में भी नहीं मिला। तो गले थ्रॉट कैंसर का ऑपरेशन कर रहे, गला चीड़ फाड़ रहे हैं, वहाँ भी नहीं मिला। तो आखिर अंदर 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 कहाँ परमात्मा, अंदर किस कोने में चीटी है, क्या छिप कर बैठा हुआ है कहाँ। जो तिलमाही तेल हैं, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनमाह,
ऐसे घट घट साइयां मूर्ख जानत ना है। तू मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वाह कबीर साहब बोल रहे, भाई कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तेरे पास। ना मैं काशी ना मैं मथुरा, नहीं काबे कैलाश में, मैं वहां भी नहीं हूं। भंवर गुफा में मैं ना रहता, नहीं पिंड ब्रह्मांड में। कुछ लोग कह रहे सुषुम्ना के अंदर है, भंवर गुफा में, बंकनाल में, वो कह रहे वहां भी नहीं हूं। अरे बड़ी मुसीबत आ गई। ना मैं जल में ना मैं थल में, पानी में भी नहीं हूं, जमीन के अंदर भी नहीं, नहीं पवन ना आकाश में, हवा में भी नहीं रहता हूं। हो भैया ये फिर है कहां। ना मैं काशी ना मैं मथुरा, नहीं काबे कैलाश में, काशी में भी नहीं, मथुरा में भी नहीं, कैलाश में भी नहीं, यहां भी नहीं। देखिए हर आदमी ने दावे से क्या कर रखा, यही परमात्मा है। देखो कैसी कैसी ठगियां हो रही है, इंसान उधर लपक के जा रहा है। आलम क्या है मैं बताता हूं। जब आप चलते हैं, कौन चलना सिखाया आपको, मां ने चलना सिखाया। हो आपकी टांगे थी लेकिन आप चल नहीं पा रहे थे। वो बच्चे को जमीन पकड़ना नहीं आती है, माँ चलाकर कहीं साथ में वाक कर देती है, सिखाती है। बोलना भी आए कर रहा है, सिखाया गया। छोटे छोटे काम हमें सिखाए जा रहे हैं तब हम सीख रहे हैं। तो परमात्मा जैसा बारीक काम बिना सीखे हम नहीं जान सकते, ठीक है। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटन करे उपाय। इसका मतलब है परमात्मा, हमने छोटी छोटी चीजें भी सीखी है। यहाँ एक जरूरत पड़ गई हमें एक गुरु की। गु कहिए अंधकार से रू से भया प्रकाश, अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश। अभी हम देखते हैं कि अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड कहाँ। मुझे बहुत से महात्मा लोग मिले, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। कोई कहता है अंतर में ईश्वर को देखते हैं, कोई कहता है दसवां दरवाजा खोलते हैं। मैंने कहा महाराज महाशय जी कृपा करके मुझे बताओ दसम दरवाजा कहाँ है। तुम दसम दरवाजा खोलकर ब्रह्मांड की यात्रा कैसे करते हो। पहली बात यह है कि अंदर में पूरा ब्रह्मांड है। इस घट भीतर नौ लख तारे, इसी में सूरज चंदा। इस घट भीतर बाग बगीचे, इसी में सींचन हारा। इस घट भीतर हीरे मोती, यही में परखन हारा। इस घट भीतर काम धेन है, कल्प वृक्ष न्यारा। इस घट भीतर वन और बस्ती, यही में झाड़ पहाड़ा। इस घट भीतर सात समुंदर, इसी में नदियाँ नारा। जाने का कोई जाना नारा। इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव शंकादि अपारा। इस घट भीतर तीन लोक हैं, इसी में है करतारा। इस घट भीतर देवी देवा, इसी में तीरथ सारा। इस काया में यह पिंडे सब ब्रह्मांडे, सब कुछ इसमें भरा पड़ा है। पर जाने का कोई जाना नारा, कहे कबीर जाने का वाही। जा पर कृपा सदगुरु की होई, वही जाने का जिस पर सदगुरु की कृपा। तो हम अंदर की दुनिया कैसे देखें। आप इस अवस्था में अंदर की दुनिया नहीं देख सकते हो। इस अवस्था में हम बाहर की दुनिया देख रहे हैं। आपकी चार अवस्थाएं, सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न, तुरिया। देखो आप सपना देखते हैं ना, स्वप्न लोग भी तो आपके अंदर है ना, लेकिन इस अवस्था में सपना नहीं दिखेगा। आप स्वप्न में जाने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, हमें तुरिया में जाना पड़ेगा। हमें अंदर की दुनिया देखने के लिए या दिव्य चक्षु के लिए तुरिया में जाना पड़ेगा। तुरिया में कहां से जाएंगे, तमाम मत मतांतर भी लोगों को यहां भी भ्रमित कर रहे हैं। डुप्लीकेसी इंडा और तुरिया, ये चेतन अवस्था है। अभी चेतन जागृत में, चक्षु में वासा। आइए दसम द्वार पर थोड़ी बातचीत करूंगा। हम तो ग्यारहवें की बात कर रहे हैं ना। जब तक हम नौ द्वारों से कार्य कर रहे हैं ये विश्व दिखेगा। नौ द्वारे संसार सब दसवां योगी तार, एकादश खिड़की बनी जानत सन सुजान। अच्छा ये दसवां द्वार कहाँ है। साहिबी वाणी में कह रहे साध सोई जिन यह गढ़ लीना, नौ दरवाजे प्रगट चीना। दसवां जाए खोल जिन दीना, जहां कुल्फ रह मारा है। करनैनो दीदार महल में प्यारा है। आप हम सब जिंदगी में स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन स्वप्न देखने के लिए निद्रा के पटल पर जाना हुआ। इस तरह अंदर की दुनिया देखने के लिए हमें तुरियावस्था में जाना पड़ेगा। फोर्थ स्टेज ऑफ द कॉन्शियंस, इस चेतन अवस्था से निकलना पड़ेगा। इससे आदमी को इसका ज्ञान नहीं है कैसे निकले। आइए देखें यह इंडा। जब कुछ लोगों से पूछो
कि परमात्मा तक रास्ता क्या है, तो वो कह देते हैं सूक्ष्म नाम है। ये आधी अधूरी जानकारी इंसान को मिलती है, ये ईंटा नाड़ी है, ये पिंगला है, मध्य में सूक्ष्म नाम है, वो कहते हैं सूक्ष्म नाम है। साहिब ने भी वाणी में कहा, ईंडा पिंगला सुखमन बूझे आपे अलख लिखावे, उसके ऊपर साचा सदगुरु अनहद शब्द गुरु नानक देव जी कह रहे सुरत समाये, और धुन बाजे घोरा मगन भया मन मोर, शब्द है मारा मर गया मरो न दूजी बार, शब्द पाइए नान का गुरु नाम लगा प्यार। यही बात कबीर साहब भी बोले, ईंडा पिंगला सुखमना सम करे अर्ध और उर्ध विच ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भ्रम भाने। भाई एक बात है, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुत न मरना होए। कह रहे हैं ये मौत क्या है, शरीर और आत्मा का संबंध विच्छेद होना मौत है। एक टाइम आता है हमें काल मृत्यु शरीर से अलग करती है, सीधी बात है आत्मा और शरीर अलग है, क्या ये हम खुद नहीं कर सकते? क्या सुसाइड करके करेंगे? नहीं नहीं नहीं, कबीर साहब बोल रहे हैं जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावहूं पूर्ण परमानंद, जीवत मरिए भोजल तरिए, नानक देव जी बोल रहे हैं। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुत न मरना हो। हमने ये शब्द सुने हैं, कभी इस पर गंभीरता से चिंतन नहीं किया। सुने, हमारी आत्मा इस शरीर में, हम सब ये मानते हैं आत्मा अलग है शरीर अलग है। इंडा पिंगला सुखमना सम करे, ये कैसे शरीर से निकल जाता है, वाणियों में आ रहा है, ये कला है। देखो मनुष्य तैर सकता है, अगर सीखा नहीं तो नहीं तैर सकेगा। जो इसमें तैरना जानते हैं हाथ खड़ा करें, जो नहीं जानते हैं वो हाथ खड़ा करें। अरे भाई तुम्हारे भी दो हाथ हैं, उसके भी दो हाथ हैं, वो तैर रहा है, आप इसको कहीं पंख नहीं लगे हैं, ये तो तैर रहा है, सीख लिया। इस तरह इसमें उतरने का कला आना चाहिए, सब कुछ इसमें भरा पड़ा है, बस जानने की बात है, इसमें सब कुछ है। ईंडा पिंगला के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। दशम द्वार कैसे खुलता है, थोड़ा मैं संक्षेप में बोलता हूँ। मैंने कई कई महात्माओं से पूछा, अरे भाई दसवें दरवाजे में कैसे प्रवेश लेते हो? महात्मा लोग कुछ तो गुस्सा हो जाते, कुछ कहते गुरुजी ने बोला है बताना नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ सागर का रास्ता कौन सा है, अगर मैं पूछूं और कोई बच्चा बोले पिताजी ने बोला है बताना ही नहीं, तो अटपटी बात नहीं हो गई? तो नहीं बताते हैं, दरअसल वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहें विदावे हाथ। आइए दसम द्वार बताता हूँ। शरीर में 9 दरवाजे प्रकट है, मलमूत्र के 2 द्वार, तीसरा मुंह, 2 नासिका के द्वार, 5 2 आंख के द्वार, 7 2 कान के द्वार, 9 दसवां कहाँ है? हम दसम द्वार में जाकर के आंतरिक जगत देखते हैं, दसवां द्वार कहाँ है? कोई कह रहा है इधर, कोई कह रहा है इधर। अगर ये यहां होता तो भैया इतनी सूक्ष्म यंत्र हैं वैज्ञानिकों के पास, कभी का उन्होंने वो द्वार खोज करके निकाल देना था। अच्छा वो तो बात छोड़ो, हम तो 11वें की बात कर रहे हैं ना, वो ये तो और भी बारीक बात है, ये तो PhD से ऊपर की बात हो गई। साहब ने वाणी में फिर कह दिया, चलो पहले 10वें पर ही तो आते हैं ना, 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी जानत संत सुजान। वो 11वें द्वार, 10वें तक योगी पहुंचते हैं, 11वें तक संत। भाई मास्टर और प्रोफेसर में फर्क है, पढ़ा दोनों रहे हैं, टीचर तो भैया +2 वाला भी हो सकता है, लेकिन प्रोफेसर कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, MPhil PhD, दोनों में फर्क है। आइए, दरअसल
दसवां द्वार कहाँ है? मैंने अपने जीवन काल में बहुत से महात्माओं से सूत्र पूछा, मुझे कोई नहीं बता सका। आओ मैं बताता हूँ दसम द्वार कहाँ है। हमारे शरीर में जो प्राण है, दसम द्वार किससे खुलता है वो बताता हूँ। टफ है, आज्ञा चक्र में आत्मदेव है, श्वास लेकर नाभि में पहुंचाता है। ये श्वास नाभि में पहुंचने के बाद दस वायु बनती है, अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतनव्यान, देवदत्त, किरकिल, नाग, धनंजय। इससे शरीर चल रहा है। जो आपका हाथ यूं चला, जो आप देख रहे हैं आपकी पलकें चल रही, एक विधि है। ये काया है समृत केरी, काया की गत काह नहरी, शिव गोरख सो पच पचारे, इस काया का भेद न पाए। आदमी पूरी उम्र इसमें रह रहा है, इसका पता ही नहीं है उसको। कबीर काया अथाह है, कोई वरला जाने भेद। श्वास जो हम लेते हैं नाभि में पहुंचती है, यहाँ ये दस वायुओं में बदल जाती है। अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतनव्यान, देवदत्त, किरकिल, नाग, धनंजय, सबल। अब अपान मलमूत्र बाहर कर रही है, उदान कलेजे में है, प्राण हार्ट बीटिंग कर रही है, सर्वतनव्यान जोड़ों में है, अगर ये खराब हो जाएगी तो आपको गठिया हो जाएगा। समान शरीर को मोटा होने से बचा रही है, और धनंजय ताकत लगा रहे हैं। ये मैंने उठाया, ये धनंजय वायु है, प्राण ही शक्ति है। और नाग कंठ में नींद लाती है, किरकिल नासका में छींकते हैं, ट्रैफिक पुलिस का काम करती है, और देवदत्त पलकों में। इससे हम पलक गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं, ये बिगड़ जाएगी तो मुनमुनिया हो जाओगे, यूं यूं होगा। वो वायु ये काम कर रही है। दसवीं वायु है सबल, शरीर को ताजा रखे हुए हैं, इसलिए मरने के बाद शरीर कुमला जाता है, ये वायु का खेल है। तो क्या करते हैं, एक टाइम पर हमारा एक स्वर चलता है, एक बंद होता है। देखिए अब ये चल रहा है, ये बंद है, आप भी देखो, एक स्वर चल रहा होगा, एक बंद होगा। ये है ईंडा, ये है पिंगला, इनके मध्य में है सुषुम्ना नाड़ी। दसम द्वार साधारण बात नहीं है, सुषुम्ना नाड़ी बंद पड़ी हुई है, इसको खोलते हैं। इंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नीर रह ठहराई, सुमरण से। तब श्वासा ऊपर की तरफ समेटते हैं, किससे? कंसंट्रेशन से श्वासा को पलट देता है। देखो मैं गवाही दे रहा हूं। फिर ये कैसे निकलता है सुनो, इसको कबीर साहब ने वाणी में कहा, अंदर कैसे घुसते हैं ध्यान से सुनना, पर बिना गुरु के ये कार्रवाई करना नहीं। आप देखते हैं ना, दवाइयों पर लिखा नहीं है, डोंट यूज विदाउट एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, कि आप दवाओं का प्रयोग बिना डॉक्टर की राय के न करें। क्यों? अगर आपने सर दर्द के लिए एनासिन गोली ली और आपको हार्ट का भी प्रॉब्लम है तो रिएक्शन हो जाए, तो डॉक्टर से एडवाइस लें। इस तरह शरीर में ऐसे घुसना नहीं, अटक जाओगे। साहब कह रहे ये घट मंदिर प्रेम का, मत कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। तैरना नहीं आता है तो कुएं में छलांग मत लगाना, डूब जाओगे। इस तरह एक गुरु अदद गुरु के सानिध्य में ये होता है, ये बहुत बारीक काम है। तो ये श्वास सुषुम्ना नाड़ी श्वास से खुलेगी, इंडा पिंगला सुखमन सम करे, सुखमन सुन्न सुरत मैलो नब आया अजर अकीदा, दादू दुर्ग दीदार ही है मैं पाया खुद खुदी का। सुषुम्ना का जिक्र आता है सूफियत और संतों की वाणी में।